जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, सत्संग भाई बुलबुल आंटी। संगत जी, तुसी कहोगे कि आज बड़े पंजाबी दे भी सत्संग कर रही है, यह भी हुण गुरु जी का हुक्म होएगा कि गुरु जी कदी कदी कहिंदे तू पंजाबी सत्संग शेयर किया कर। कुछ संगत हैगिया ने इत्थे कैलीफोर्निया USA दे विच जो मैनू अजकल रोज़ पंजाबी दे विच ही सत्संग भेजते हैं, तो वह कहिंदे ने आंटी तुहाडे मूँहों पंजाबी बड़ी चंगी लगती, तुसी पंजाबी च बोलो। हुण शायद गुरु जी का हुक्म है कि संगतां दे कोलों हुण यह भी कहलवा रहे ने। पहले भी बहुत बार मैं पंजाबी सत्संग शेयर किया, तो जे ना समझ आए तो भी तुसी कोशिश करना समझन की, बड़ा ईजी और बड़ी मिठी भाषा है पंजाबी। संगत जी, गल सिर्फ इन्नी जी है कि यह भी सच है कि गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं कि संगत नूं कदों ब्लैस करना है, कद जोड़ना है। पर यह तो हुंदा है संगत जी जब असी हर तरफ तो टुट जाते हैं, जो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो असी दिल नाल अपने अंदर बैठे उस परमात्मा नूं, उस रूहानी रूह नूं याद करते हैं, सारे अहम सारी ईगो नूं छड्ड के उन्हां नूं पाना चाहते हैं, अपने आप नूं पहचानना चाहते हैं, तो ही गुरु महाराज आते हैं। तुसी किसी पड़ोसी दे घर कदी ना जाओ या उन्हूं कदी ना बुलाओ, तो उन्हूं कदी पता नहीं लगेगा कि तुसी कौन हो, कित्थे रहिंदे हो, उहदे पड़ोसी कौन हन। जे जब तुसी बीमार होंदे हो तो डॉक्टर दे कोल जांदे हो ना, कि डॉक्टर तुहाडे घर तुहाडे बिना बुलाए आ जांदा है तुहानूं चैक करन दे वास्ते। मंदिर गुरुद्वारे भी खुद जांदे हो, उत्थे दा सत्संग अटेंड करते हो, तुसी आप ही चल के जाते हो, कि ना कि मंदिर गुरुद्वारा चल के तुहाडे कोल तुहाडे घर आंदा है। पर संगत जी, सिर्फ साडे गुरु जी, साडे महाशिव ने, ऐसे रब ने कि वह खुद चल के तुहाडे घर आ जाते हैं, तुहानू सपने विच आ के तुहाडा कष्ट कट जाते हैं, तुहानू ब्लैस कर जाते हैं। वह ऐसी लीला रच देंदे ने कि संगत या तो खुद उन्होंने कोल आती है या वो कुछ ऐसा करते हैं कि तुहानू आना ही पैंदा है। गुरु जी साडे जीवन का खुद ही एक बहुत वड्डा सत्संग हन, वह साडे जीवन दे साडे हत्थां दीआं लकीरां बदलन की ताकत रखते हैं। परमात्मा कौन है? एक ताकत ही तो है, एक ओंकार, एक निरंकार, एक नूरानी जोत। वो जोत एवें ही साडे शरीर विच प्रवेश नहीं कर सकती संगत जी, या तो साडे कर्म कटवाण दा टाइम नेड़े आ जांदा है, या साडे कोई जप तप दा नतीजा हुंदा है। जे किसी संगत ने समझ लो कदी भी गुरु जी नूं ना सुनिया ना मन्निया, उसनों भी सपने विच गुरु जी ने दर्शन दित्ते, वो जानता भी नहीं सी ऐसे किसी गुरु जी नूं, मनता भी नहीं सी, पर क्यों? क्योंकि उसके पुराने जन्मों के कर्मों का फल, पुराना जप तप उन्हूं ऐ सोनी दात तो रूबरू करा दिता है, तो टाइम गुरु जी डिसाइड करते हैं। पर जे कोई बहुत ज़्यादा मंत्र जाप अमृत वेला करता है, रोज़ सत्संग जाता है, सेवा करता है, उन्हूं कदी भी दर्शन नहीं आते, ना ही उहदे काम पूरे हो रहे हैं, मुश्किलां अते कष्ट हट ही नहीं रहे, तां वी उन्हूं डगमगाना नहीं चाहिदा संगत जी, क्योंकि इस तरह करन दे नाल तुहाडा एक जन्म नहीं, आन वाले 84 लख जन्म गुरु जी संवार रहे हैं। जिन्हों गुरु जी अज मिले पहली बार उन सपने चाहे बिना वो गुरु नूं मन्ने, उहदा ते एक जन्म संवार। जे तुहानूं इन्ना सब कुछ होंदे, इन्ने मंत्र जाप, इन्ने पूजा पाठ, इन्ने सत्संग की सेवा करते हुए भी कष्ट आ रहे हैं, तो समझ लो तुहाडे 84 लख योनिया गुरु जी ने कट देनी है। कोई भी पूजा पाठ, जप तप सिमरन मन नाल कीता होवे जे, ते या बेमन नाल कीता होवे, कदी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह गल तुहानू हाले समझ नहीं आएगी, पर असी की करते हैं, डगमगा जाते हैं। संगत जी, डगमगाना नहीं, तूफान विच भी जे असी खड़े हाँ ना, कष्टां नू सह के भी उफ तक नहीं करते, कोई कंप्लेंट नहीं करते अपने गुरु नूं, अपने रब नूं, तां ही ते असी उस दुविधा तो बाहर आवांगे। असी चाहते तो हाँ कि असी MA करिए, MBA करिए, अपने तो उच्चे अहुदे वाले पैसे वाले नूं वेख के सोचते हाँ, काश साडे कोल भी यह सब हुंदा, या अपने तो ज़्यादा किसी ब्लैसड संगत नूं देख के सोचते हाँ, काश असी भी इन्ने ब्लैस हो जाइए। पर उस MBA वाले नूं इंसान, उस सेवादार या उस संगत नूं जो कुछ सहा है, तुहानूं की पता,
क्योंकि सब दे अपने अपने कार्मिक अकाउंट होंदे हन संगत जी, सब नू अपने कार्मिक अकाउंट ते खुद ही क्लीयर करने पैंदे हन, ए कोई होर ते नहीं करेगा। जे कई बारी संगत कहती है कि साढ़े लिए अरदास कर दो, साढ़े लिए जाप कर दो, गुरु जी कहते हैं भुख तुहानू लगी है, खाना किसी होर दे पेट विच पावांगा ते तुहाडा पेट किवें भर जाएगा, बीमार तुसी हो दवाई किसी होर नू देवांगे ते तुसी ठीक किवें हो जाओगे, पेपर तुहाडा है ते पढ़ाई भी तुहानू करनी पएगी ना, जे तुहाडी माँ प्यो पत्नी या कोई होर तुहाडी स्टडी करके तुहानू एग्जाम दे विच भेज दन ते तुसी पास हो सकते हो, जब तक तुसी अपना चैप्टर खुद नहीं पढ़ोगे, लैसन लर्न खुद नहीं करोगे, अपनी क्लास अटेंड नहीं करोगे, रेगुलर नियम नाल टीचर दी गल नहीं मन्नोगे, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਅਰੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਮ ਬੀ ਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਓਬੀਡੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਬਣੋ, ਸਕੂਲ ਆਓ ਮੀਨਸ ਮੰਦਿਰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਆ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਟੀ ਵੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੀਨਸ 108 ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ, 1 ਘੰਟਾ 9 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਯਹਾਂ US ਮੈਂ ਧੂਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੂਲ ਉਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੇੜੋਂ ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਫੂਲੋਂ ਸੇ ਬਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੁਲਬੁਲ ਆਂਟੀ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵਿਜ਼ਨ ਮੈਂ ਆਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਦੋ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਲੋਕ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਆ, ਸਭ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਬੁਲ ਆਂਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਹੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੀਰਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਸ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਆਪ ਵਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।